हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम इस वीडियो में 14 मई का करंट अफेयर्स करेंगे। फ्रेंड्स जो जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स और फ्रेंड गवर्नमेंट जॉब से जितनी न्यूज होती है फ्रेंड्स वो सबकी वीडियो मैं आपके लिए बना के इस मेरे चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ। फ्रेंड्स जो लोग मेरे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपका ज्यादा समय ना लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, निम्नलिखित में से किसे दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणा सुंदराजन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्था ने स्कूल परिसरों में आधार पंजीकरण केंद्र बनाए जाने का निर्देश जारी किया। फ्रेंड्स का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीबीएसई। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर बनाई जा रही मेट्रो रेल में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भर्ती किए जाने की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोची। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कोची जो है फ्रेंड्स ये केरल का एक शहर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपसे उपनाम पूछा जाए तो फ्रेंड्स कोची को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का रक्षा सचिव बनाया गया। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय मित्रा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संसार मनोहर कब तक आईसीसी के स्वतंत्र चेयरमैन बने रहेंगे। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जून 2018। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश को विश्व भर में संत मानव बस्तियों को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएनओ हैबिटेट का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। फ्रेंड्स आपको बता दूं भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली है, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में शीर्ष सम्मान जीता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कोकना सेन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव पशु संघर्ष से निपटने हेतु याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और निम्न में से कितने राज्यों को नोटिस जारी किया है। फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 17। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन। फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, हिना सिंधु ने लिबरेशन प्लेन 2017 निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता। फ्रेंड्स का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कांस्य पदक। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स मिलती रहती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स वो आप नीचे वाला रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। फ्रेंड्स आपको बता दो आपको मेरे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स एंड फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब की जितनी न्यूज होती है वो सभी आपको मेरे चैनल पे मिलती हैं। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले और फ्रेंड अपना बेल बटन भी जरूर ऑन कर लें ताकि फ्रेंड्स आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।